बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूँ बिलाल खान और आप देख रहे हैं बिलाल इलेक्ट्रिक वर्क। सो दोस्तों, इससे पहले हमने वीडियो प्लम्बिंग के पाइपों के बारे में बताया था आप लोगों को, और अभी बताएंगे इलेक्ट्रिक के बारे में कि इलेक्ट्रिक वायरिंग रूप पे कैसा, एसीओ के लिए पावर और एसी मशीन जो लगेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पाइपिंग करना पड़ता है रूप पे, जो फर्स्ट फ्लोर का एसी हो वो फर्स्ट फ्लोर पे अपने ड्राइंग के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से हर जगह वायर लाना होता है। तो जी दोस्तों, ये है हमारे पास एक शॉप जो इसमें आए हैं, हमारे फर्स्ट फ्लोर के भी एसी है और ग्राउंड फ्लोर के भी है। ये नज़र आ रहा है, ये हमारे पास है शॉप में आए हैं। तो अभी इसके लिए हमने पावर छोड़ा है इधर, ये हमारे पास इसका आइसोलेटर लगा है। अभी इस पे सारे पे बराबर निशान है, सब बराबर नंबर लिखे हैं। ये एसी, अब इसका एसी होगा एपीसी पायो बी और आर वाई बी डी बी एफ एफ, यानी फर्स्ट फ्लोर का है और यही इस वायर का नंबर है। तो जी, ये वायर इसको आया है, इसको मिला है पावर और इधर से फिर आउट जाएगा हमारा एसी फाउंडेशन। ये बने हैं 1 2 3 4 5 6, तो इधर 6 फाउंडेशन बने हैं और 6 एसी इधर लगेगा। तो हमारे पास 6 आइसोलेटर है, हर एक पे हर एक अपने अपने एसी का नंबर है, जो ग्राउंड फ्लोर का है उस पे ग्राउंड फ्लोर का, जो फर्स्ट फ्लोर का है फर्स्ट फ्लोर का। ये देख सकते हैं, ये ग्राउंड फ्लोर से है, अब उसका नंबर है B18, वायर का नंबर जो है ग्राउंड फ्लोर से उसका वायर आया है और ये इधर से आउट होगा एसी को। हर एक का नंबर लाजिम चेक करना पड़ता है, ये ना कि ग्राउंड फ्लोर का एसी फर्स्ट फ्लोर में आ जाए, फर्स्ट का ग्राउंड फ्लोर में आ जाए तो बहुत मुश्किल बनता है। इंशाल्लाह इसका पाइपिंग जब करेंगे तो उसका वीडियो में बनाऊंगा, फिर पूरा वायरिंग होगी तो बेहतर समझ में आएगा। ये पूरा इधर 6 लगे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 आइसोलेटर है, 6 एसी है। तो इस तरह कुछ शॉप हमारे पास इधर है इस छत पे। तो जी दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि काम के बारे में तो तुम लोग बता सकते हो कैसा है, मैंने तो काम किया है, मुझे तो अच्छा लगेगा। अभी तुम लोग राय दो कि काम कैसा हुआ है। ये देखो, ये ग्राउंड फ्लोर है, B17 है, ये आइसोलेटर लगा है इसका, इधर फाउंडेशन बने हैं 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 हमारे पास आइसोलेटर है। तो देखो जी, ये एक आइसोलेटर खुला है। अब ये एसी का पाइप आए है तो ये इधर से सारे कनेक्ट हो गए। अभी एक आइसोलेटर खुला है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सिंगल पेज आइसोलेटर है जी, आप देख सकते हैं ग्राउंड अपना जगह पे लगा होता है और न्यूट्रल और ये रहा पेज। तो इधर से ऊपर से हमारा इन हो गया और ये इधर से आउट होगा, आउट इन इधर से हो गया, एसी में आउट जाएगा। तो जी दोस्तों, बहुत सिंपल सा है, ये हमारे पास आइसोलेटर लगा है और ये इस तरह उस तरह भी हमारे पास मौजूद है, आइसोलेटर है। तो जी दोस्तों, इधर हमारा बूस्टर पंप लगेगा, उसके लिए आइसोलेटर है, उसके लिए आइसोलेटर हमने थोड़ा उससे दूर छोड़ा है। और ये एसी है, इसका मशीन, ये डक ऊपर आए हैं, इसका मशीन इधर लगेगा, ये फाउंडेशन जो नज़र आ रहा है इधर बनेगा, इधर लगेगा। तो इधर ये एरिया पूरा डक के साथ इसके साथ टच होगा। तो जी दोस्तों, ये हमारे पास बूस्टर पंप का आइसोलेटर जी, और आइसोलेटर 6 हमारे पास इधर है, 1 2 3 4 5 6, और इस 6 एसी है, इधर 6 का फाउंडेशन इधर बना है। तो जी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजिम बता दीजिए
کہ کام میں کچھ غلطی ہو تو بتا سکتے ہیں، یا کوئی کچھ پوچھنا ہو الیکٹرک پلمبنگ کے بارے میں تو انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔